एसएससी जूडी 2025 मैथ टॉपिक चल रहा है एवरेज का वीडियो नंबर 9। 8 वीडियोस इसकी आ चुकी हैं, 2 टाइप लगभग ख़त्म हो गए। अगला टाइप में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन, जैसे कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। पहला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। इनमें क्या ज्ञात करनी है? सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि 5 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत में एकक का अंतर होता है, एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस फोर, 5 होगी होंगी, 1 2 3 4 5 एकक का अंतर है, उसे संख्या को क्रमागत संख्या कहते हैं। तो सबसे बड़ी ये वाली होगी। इनका औसत कहाँ है, कितना? 19। औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या, इन्हें जोड़ेंगे और संख्या है अपॉन 5 बराबर 19। क्या करेंगे हम, x का मान निकाल लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5x हो गया, प्लस 1 2 3 3 6 4 10 बटे 5 बराबर 19। इसे 5 को 5x को 5 से भाग करेंगे, 10 को 5 से भाग करेंगे, 19 5 से 5 कटा, x प्लस 5 दुनी 10 बराबर 19। तो x बराबर 19 माइनस 2 बराबर 17। तो बड़ी संख्या की बात आ रही थी, बड़ी संख्या x प्लस 4, x है 17 प्लस 4, 17 4 21, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी इसकी, 21 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 11 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, क्या निकालना, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या 6 है, x सम संख्या में 2-2 का अंतर है, जैसे 2 4 6 8 10, ये सम संख्याएं हैं, इनमें कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर होता है। तो सम संख्या में 2 का डिफरेंस से लिखेंगे, जैसे पहली संख्या x है, x प्लस 2 है, अगली x प्लस 4 है, उस अगली x प्लस 6 है, x प्लस 8 है, कितनी होगी, 6 बतानी, 1 2 3 4 5, और छठवीं होगी ये। सबसे छोटी x होगी, यानी x का मान निकालना। बात कहाँ है, औसत दिया है 11, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। संख्या है 6 बराबर 11, 1 2 3 4 5 6x हो जाएंगे, प्लस 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30 30 बराबर, इस 6 की गुणा 11 में, 11 6 66, 6x + 30 बराबर 66, 6x = 66 - 30 यानी कि 36। तो 6x = 36, तो x = 36/6 = 36। तो सबसे छोटी संख्या क्या थी, x थी, x बराबर कितना आ गया, 6 आ चुका है। तो सबसे छोटी संख्या यानी x का मान हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस टाइप के क्वेश्चनों में 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 17 है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं कत विषम संख्याओं का औसत 11, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या हमें फाइंड करनी है। तो अब बात आती है कि क्रमागत विषम संख्या, इनमें 2-2 का अंतर होता है, विषम संख्याएं जैसे 1 3 5 7 9 11, ये विषम संख्याएं हैं, 2-2 का अंतर है। पहली संख्या x मानेंगे, अगली x प्लस 2, उससे अगली x प्लस 4 मान सकते हैं। वैसे मैं मानता हूँ विषम संख्याओं को हम विषम ही सौ होने दें तो ज़्यादा अच्छा है,
जैसे पहली वाली x प्लस वन मानी, x प्लस थ्री मानी दूसरी, x प्लस फाइव, x प्लस सेवन, x प्लस नाइन, ठीक है ना। दो दो का अंतर है, कितनी है पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच आ गई। इनका जो औसत है 11 है, तो संख्याओं का योग। तो सम और विषम का मानने का ढंग एक जैसा हो जाता है, अगर x x प्लस टू मानते तो, है ना, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ये वही बात है। संख्याओं का योग बटे संख्या बराबर 11, यानी कि औसत दिया है। ये हो जाएगा 5x प्लस कितना हो गया, एक तीन चार, चार पाँच नौ, नौ नौ अट्ठारह, अठारह और सात, अठारह और सात पच्चीस, ठीक है ना, 25 अपॉन 5 बराबर 11। पाँच से काट लेंगे x, पाँच पंजे पच्चीस, पाँच बराबर 11, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 11 माइनस 5, यानी x बराबर 6। अब लेनी सबसे बड़ी x प्लस 9, ये है सबसे बड़ी संख्या, यानी x प्लस 9, ठीक है ना। x का मान है 6 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 15। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 15, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी टाइप में लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। चलो एक टेक्निकल क्वेश्चन डाल देता हूँ, 45 ए प्लस 45 बी बराबर 6750। ए और बी का औसत क्या होगा, ए तथा बी का औसत, ए और बी का औसत क्या होगा। अब बात अगर हम करें औसत की, ए और बी का, तो औसत होता है ए प्लस बी वाई टू, ये हो जाएगा ए और बी का औसत। यहाँ हम 45 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी बच जाता है 6750, तो ए प्लस बी बराबर 6750 बटे 45। 45 से इसको डिवाइडिंग कर देते हैं, या एक कम करो, इसको भी दो से डिवाइडिंग कर दो, ए प्लस बी वाई टू चाहिए, यहाँ भी दो से कर देंगे, तो ये आ गया हमारा औसत, ठीक है ना। औसत बराबर ये 45 दूनी 90 हो गया, ये 5 काट दो ऐसे थोड़ा सा, 5 नम 45, 5 इकन 5, 5 5 इकन 5, 5 ते 15, 5 पंजे 25, 0 दो से काट देंगे, दो से काटेंगे, दो छंग 12, दो सत्तर 14, दो पंजे 10, और 675 बटे 9, ठीक है। अब 6 से काटेंगे, 9 सत्तर तिरसठ बचेगा 4, 9 5 45, 75 आ गया औसत, ठीक है ना। तो औसत था ए प्लस बी बाई टू।